नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स सिम पर। और मैं राजारायण आज आपके लिए लेकर के आया हूँ लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले, उसके बाद फिर कूलम्ब लॉ पर एंट्री करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में बात किए थे, चार्ज चार्ज के डिस्कवरी के बारे में बात किए, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए, और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात किए। आज हम लोग बात करने, उसके बाद फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में, कि अगर कोई चार्ज है तो चार्ज का सबसे बेसिक सा प्रॉपर्टी हमने ये भी सीखा था कि वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट करते हैं स्पेस में। ठीक है, तो आज हम लोग उसके कंटिन्यूएशन में तीसरा चीज पढ़ने वाले हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। ये एक बस यही सिंपल एपरेटस है जिसके कि सबसे पहले शुरुआत में इसका यूज़ हुआ था, कि कैसे किसी बॉडी में किस तरह से चार्ज है कि नहीं है, और कितना चार्ज है, सॉरी कितना नहीं, किस तरह का चार्ज है ये पता किया जाए, या फिर कंपेरिजन करने के लिए किससे कितना ज़्यादा है ये भी पता करने के लिए हम लोगों ने इस एपरेटस का यूज़ किया हुआ था। ये सिंपल एपरेटस दिख रहा है, इसमें एक ग्लास ना, एक ये दिख रहा होगा ग्लास का जार है, और एक यहाँ पर ब्रास डिस्क है, मतलब पीतल का या तांबा जो बोलते हैं, ब्रास हो, आई थिंक पीतल ही बोलते उसको। ठीक है, ब्रास का ये है, और ये भी ब्रास का रॉड है, और सबसे नीचे में गोल्ड का लीव लगा दिया है। गोल्ड का जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, वो जो खाना हम लोग रैप करते हैं जिसमें कि खाना भेजते, एल्यूमिनियम फॉयल है ना, तो उसी तरह से गोल्ड का फॉयल हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया। अब सवाल उठता है गोल्ड का फॉयल ही क्या है, यूज़ किया गया। गोल्ड जो है बहुत ही मतलब बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का एक एलिमेंट है या मेटल है, जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, मतलब इसमें इस तरह से करके ये मूव कर सकता है, बार 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 करेगा, और वो उसमें ब्रेकेज नहीं आते। ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर हम लोग बात करें वही जो एल्यूमिनियम का फॉयल है, उसमें बेंडिंग करते ही उसको फटीग इफेक्ट बोलते हैं, क्या उसको फटीग इफेक्ट, ठीक है ना, इस वाले इफेक्ट को। जैसे एक देखते होंगे हम लोग तार को ऐसे ऐसे मोड़ माड़ करके ऐसे ऐसे करते 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 तोड़ देते हैं, तो टूट गया, टूटा नहीं ये। हाँ, तो गोल्ड में ये प्रॉपर्टी जल्दी नहीं दिखता है, ये बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होता है और बहुत ही स्मूथ होता है, इसलिए इसमें ये इफेक्ट में ये ब्रेक नहीं हो सकता फटाक से। ठीक है, तो इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, तो गोल्ड का हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए ही यूज किया था। तो सिंपल सा चीज है कि अगर हम मान लेते हैं कि यहां से एक कोई चार्ज्ड रॉड को अगर हम यहाँ पर से लेकर के आएंगे, ठीक है, तो अगर हमने एक चार्ज्ड रॉड को लेकर के आया, वही वो लाइट का रॉड है, ग्लास का रॉड है, वो डिपेंड करता है किस तरह की चीजें हैं, हमने अगर इसको ले गया तो ये चार्ज इसको दे देगा, और ये मेटल है तो ब्रास का डिस्क है, और ये पूरा का पूरा मेटालिक सब्सटेंस है ये। अगर ये मेटल पर जा रहा है ये चार्ज, तो मेटल क्या करेगा, कंडक्ट कर देता है चार्ज को, तो क्यों। अच्छा, एक बात ये भी पिछले क्लास में सीखे थे कि यहाँ पर डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन का, तो बेसिकली क्या होगा कि हम अभी बोल रहे हैं इस हिसाब से कि भाई चार्ज हमारा इधर बढ़ रहा है, लेकिन अगर इमेजिन करो अंदर में जाकर क्या हो रहा होगा कि मेटल ही इस पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा होगा, है ना, ये भी तो हो रहा होगा ना, लेकिन हम उसको अभी छोड़ ही देते हैं, अभी उस डिस्कशन को हटा दे रहे हैं, हम सीधा बोल रहे हैं कि ये चार्ज जो है यहाँ से यहाँ सप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज यहाँ पहुंचेगा, और चार्ज जब यहाँ पहुंचेगा पूरा का पूरा बॉडी में कंडक्ट कर जाएगा, और जब ये पूरा बॉडी में कंडक्ट करेगा तो आगे भी बढ़ेगा, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा, और अगर यहाँ पर प्लस चार्ज पूरे बॉडी में आ गया तो इमेजिन करो क्या होगा, यहाँ पर गोल्ड का लीफ लगा हुआ है एकदम पतला ऐसा, एकदम मरमराया आटा एकदम लटका हुआ है चुपचाप से किसी तरह से, जैसे ही देखा दो पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं दोनों साइड में, दोनों में क्या होगा, म्यूचुअल रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगा, तो फटाक से गोल्ड लीफ जो ऐसे था फटाक से ऐसे हो जाएगा, है ना, देखा ऐसे था ऐसे हो जाएगा, क्या हम बना ऐसे था, मान लेते हैं ऊपर में दिख रहा है ना ऐसे था, अभी ऐसे था तो ऐसे खुल जाएगा, है ना, और अगर हम और ज्यादा चार्ज देंगे तो और खुलने लगेगा, डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा चार्ज हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं ना। तो इसको थोड़ा कॉपी में नोट कर लेना है, आता है स्कूल के एग्जाम में कैसे लिखा जाता है इसको, है ना, ये एक सिंपल अपरेटस है जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी में डिटेक्ट करते हैं। और अगर हम यहाँ पर वही लिखेंगे, अगर एक मेटल रॉड को हम टच करवाते हैं, देखेगा बस ये सब चीज है, और ये डक्टाइल इन नेचर होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, ये भी कभी कभी पूछ रहे हैं गोल्ड का यूज करते हैं ना, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो पूरे अच्छे से नोट करके, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। ठीक है, तो
तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? तो एक, अगर जब हम लोग बात की थी कि चार्ज है किसी बॉडी में, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और वो क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी जनरेट करता है। तो कूलम्ब बेसिकली एक अच्छी अच्छी बातें करता है इसके अबाउट, कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, तो वो क्या करता है अपने थ्री डी स्पेस में, फिर सुनना है मेरी बात को, कोई भी चार्ज्ड बॉडी बॉडी ठीक है, हाँ कोई भी चार्ज्ड बॉडी, मान लेते यही कोई चार्ज्ड बॉडी है ना, बहुत बड़ा सा, जिसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया है ना, कुछ ये लिख रहा हूं कोई बॉडी है और इस पर हमने चार्ज दे दिया है। तो ये क्या बोलते हैं कि ये चार्ज्ड बॉडी क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जेनरेट करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जेनरेट करता है, उस फील्ड का नाम इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या बोला इसने सबसे पहले नंबर में, क्या बात किया इसमें, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, अपन सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर कूलम्ब लॉ की तरफ धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे, इन्होंने फाइनली कुछ लॉ देता है बाद में, ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर था ये कैसे ये चीजें पहुंचनी है उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इन्होंने क्या बोला कि एनी चार्ज्ड बॉडी जेनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ये एक वेक्टर फील्ड है ठीक है ना, ई वेक्टर इन थ्री डी स्पेस। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े थे कि ग्रेविटेशन जो कोई भी बॉडी है, कोई मैसिव बॉडी है, वो अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड जेनरेट करता है, उसी तरह से कोई भी चार्ज्ड बॉडी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट करता है। तो ये प्लस है, तो इसके चारों हम देखे ही थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताए थे कि वो टेंजेंट होता है किसी लाइन पर और ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकल रहा होता है, तो इसने क्या बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट किया। ठीक है, सबसे पहला काम यही करता है कोई भी चार्ज, क्या करता है कोई भी चार्ज अपने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट करता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगा, तो कोई भी एक, अगर हम लोग हाइपोथेटिकली बोलते हैं बेसिकली, अगर तो बेसिकली ये कहना, ये कहा जाता है कि कोई भी चार्ज इनफाइनाइट दूरी तक, मतलब ये नहीं कि मतलब यहां गया खत्म, नहीं, इसका फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रहता है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा रीजन भी होता है जहां पर ये इफेक्ट दिखाता है, उसको भी हम लोग कहते हैं, लेकिन उस तरह की बातें नहीं है, हम सीधा बोल देते हैं ठीक है इसने फील्ड निकालते भाई स्पेस है ना अप टू, है ना, वही लिख देते हैं यहां पर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड गोज हाइपोथेटिकली अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिस्टेंस तक जाता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जनरेट किया, कोई भी चार्ज इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, कोई भी। ठीक है, अब जो तीसरा बात इसने कहा, तीसरा बात इसने क्या कहा कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एक पॉइंट चार्ज रख दें या कोई दूसरा चार्ज रख दें, है ना, या दूसरा चार्ज्ड बॉडी रख दें, ठीक है, पहला बात तो ये इसने क्या कहा कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। ठीक है, यहां तक ये दोनों बात में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन भी है, अगर एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर आराम से निकलने लगेगा बात, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए पहले समझ लो बात कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, और इसके जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम दूसरा कोई चार्ज को लाकर रख देंगे तो उसे फोर्स लग जाएगा, यही है कूलम्ब लॉ। ठीक है, सही बात, बस यही लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, वेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस द कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा बात ये था कि
अगर सबसे पहले बात तो ये भाई कोई चार्ज है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, और इस जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक दूसरे चार्ज को लाके रख दें, मान लेते हैं यहाँ पर हम एक चार्ज को लाकर रख दिए है ना, इस पे प्लस ही चार्ज है, तो इसे फोर्स लग जाएगा। अब कितना लगेगा, किधर लगेगा, क्यों लगेगा, सॉरी क्यों तो समझ में आ रहा है कि भाई इसने फील्ड जनरेट किया है और इसे फोर्स लग गया, कितना लगेगा इसके ही बारे में बात करेंगे अब आगे। ठीक है, तो पहले यहां तक एकदम अच्छे से कॉपी कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट है एनी पॉइंट चार्ज, ऐसे एनी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जिसको बोलते हैं, एक ऐसा टेस्ट चार्ज है। अब ये क्या टेस्ट चार्ज है इसको भी समझते हैं, ठीक है, समझाएंगे अभी। ठीक है, पहले देख लो, एनी टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स विच इज गिवन बाय एफ वेक्टर, एंड दैट एफ वेक्टर इज गिवन बाय चार्ज जो क्यू नॉट था इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, समझ लो मेरी बात को, मान लेते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से, है ना, ऐसे ही मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक बहुत ही छोटा सा एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया हुआ है, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया है, तो इस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। और हम एज्यूम करते हैं, पहली बात तो ये कि टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, हम एज्यूम कर लेते हैं। दूसरा नंबर में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एक बहुत ही छोटा चार्ज होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता है। फिर से समझना है मेरी बात को, अगर हम कह दें कि अगर जनरल चार्ज हम यहां पर रख देते हैं, मान लेते कोई पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, तो ये क्या ये जो पिक्चर बनाए थे हम अभी इस तरह का, तो क्या ऐसा रह पाएगा, जैसे ही ये आ जाएगा तो ये इसको डाइवर्ज कर देगा, इसका पाथ थोड़ा हो सकता है इसे भागा दे, है ना, ये रास्ता कुछ ऐसे हो जाए, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा पिक्चर। लेकिन हम ऐसा एक जनरल चार्ज ये काम करेगा, इसको डिस्टॉर्ट कर देगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम ऐसा मानते नहीं हैं। हम ऐसा यहां पर ये कहते हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, अगर ऐसे मेरे पास अपेरेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा हुआ था, तो हमने जैसे एक तीसरा चार्ज रख रखा है, जैसे दूसरा चार्ज रखा हुआ, इसका नाम है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करता है, तभी हम इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्ट करवाना है हमको इससे, और ये पॉजिटिव इन नेचर होता है। अब सोच के देखो, तो इसमें फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई, किधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई, ये क्या हो गया इसका फोर्स वेक्टर, ठीक है, तो फोर्स इस पे कितना लगेगा, क्यू ई। फिर सुन लो, अगर एक टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, ठीक है, और अगर हम मान लेते हैं इसका मास अगर एम है, तो ये चार्ज एक्सेलरेट कर जाएगा, तब अगर रख करके छोड़ दे तो फोर्स लग चुका है तो एक्सेलरेट भी कर जाएगा, है ना, हेंस एक्सेलरेशन है ना ऑफ दिस चार्ज इज गिवन बाय ए इक्वल टू क्या है, फोर्स बाय मास, और फोर्स क्या हो गया, क्यू नॉट इनटू ई बाय मास एक्सेलरेशन, है ना, इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा वो उस वाले बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो ये समझ में है कि कोई भी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है यहां तक। और अगर हम उस पे फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, और वो फोर्स किधर लग रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना, दूसरा हम ये भी लिख लेते हैं पॉइंट, द फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द टेस्ट चार्ज
इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई वेक्टर, यानी कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब हम यहीं पर यही लिख सकते हैं कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर है, मगर मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो क्यू इंटू ई के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक पूरा अच्छा समझ में आया ये बात? अभी तक हम लोग कुछ नहीं स्टार्ट किए हैं, ठीक है, अभी बस पहला बात सीखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रख देंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रखेंगे उसमें कितना फोर्स लगेगा, क्यू ही लगेगा, है ना। अब बात करेंगे कि एक चार्ज, टेस्ट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ठीक है, पहले कॉपी करो। तो अगला पॉइंट लिखते हैं कि एनी पॉइंट चार्ज क्यू, कोई भी पॉइंट चार्ज है क्यू, जेनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर हूज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय ई, जो वेक्टर होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर हम मैग्नीट्यूड में ही बात कर लेते हैं तो सिर्फ ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक चार्ज हम पॉइंट चार्ज रखे हैं यहां पर क्यू, ठीक है, एक कोई भी प्लस चार्ज हम मान लेते हैं कि क्यू चार्ज रखे हैं यहां पर, तो इसने क्या करना है कि किसी डिस्टेंस आर पोजिशन पर, है ना, यहां पर मान लेते हैं आर डिस्टेंस बात करना है, तो यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हम तो बोल चुके हैं कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, तो हम जानना चाहते हैं आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका ये वैल्यू है के क्यू बाय आर का स्क्वायर, कितना होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। एक और बात देख लो कि पहला यहां तो इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना, एक देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ वन अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में चल रहा है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ इसी को बोलते हैं, यानी कि आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, स्क्वायरली घटेगा, अगर डिस्टेंस को हम दो गुना कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार गुना कम हो जाएगा, डिस्टेंस को अगर हम तीन गुना बढ़ा देंगे, तीन गुना बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नौ गुना घटेगा, चार गुना डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 16 टाइम्स घट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा और स्क्वायरली घटेगा। और अगर हम इसका पिक्चर बना दें यहां पर आर के साथ में, यही चार्ज है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम स्ट्रेंथ का बात करते हैं तो देख लो कि किसी जितना ज्यादा हम क्लोज हो जाएंगे चार्ज के, देखना मेरी बात को, अच्छा पहली बात तो इधर की तरफ हम लेंगे लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव है, क्योंकि इधर की तरफ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, इधर की तरफ निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यहां पर अगर हम बात करें इधर निकल रहा होगा, यहां पर इधर निकल रहा होगा, हम सिर्फ इसी लाइन में बात कर रहे हैं अगर, तो अगर हम आर के ऊपर बात कर रहे हैं तो आर का वैल्यू जीरो होगा अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जब आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, हम बोले इन्फिनिटी तक चलता है ना, तो अगर आर हमारा खूब दूर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग जीरो हो जाएगा, ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से चलेगा, समझ में आया। उसी तरह से अगर हम अब इधर चले आए तो जैसे ही इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, तो जैसे ही इसके थोड़े से भी नजदीक पर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, बहुत तगड़ा वाला होगा, तो इन्फिनिटी पर आएगा, लेकिन उल्टा इधर की तरफ, इसलिए हम निगेटिव दिखा रहे हैं, और फिर आर अगर हमारा बहुत दूर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया पूरा पिक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने बनाया, किसके लिए बनाया, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, एक और चीज सीखते हैं यहां पर से, के का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, तो के का पूरा जब हमने इसको बाद में पूरा अच्छे से खोल दिया तो इसका वैल्यू मिला 4 pi epsilon, के इक्वल टू 1/4 pi epsilon, है ना, जिसका वैल्यू मिला हमको एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन को अगर हम खोले तो हमको मिला एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है,
और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है ये होता है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द माइनस में 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एप्सिलॉन आर जो है इसका वैल्यू, इसका नाम लिख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ये कहता है ये। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है एयर में, ठीक है। और इसी का दूसरा भी नाम है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी किसी एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में, ठीक है। डायलेक्ट्रिक मटेरियल का भी बात करेंगे अभी दूर ही, पहले तो ये देख लो पूरा का पूरा चीज। तो जब हमने इसको पूरा अच्छा से खोला तो हाँ लिखे आप है, तो यहीं पर लिख लेते हैं। तो के का वैल्यू हमको हवा में कितना मिला, क्योंकि हम एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पर ये वाला रख लेते हैं, अब 4 पाई का वैल्यू हमको सब पता है। जब हम इसको सॉल्व किए तो फॉर एयर के लिए हमको मिला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो गया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। तो के का वैल्यू याद रखना है, कोई दिक्कत है? पहले इसको पूरे अच्छे से लिख लो, ठीक है। ये सब का नाम है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं इसको। ये परमिट करता है कि कहां कितना दूर तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके जा सकता है, ठीक है। और अगर ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, और यही सब है पूरा कहानी। अगर कोई मटेरियल में देख लो एप्सिलॉन आर नीचे में है, अगर कहीं कोई पानी वानी आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अच्छे से परमिट नहीं करेगा, वहां पर नहीं जाएगा, यानी कि फोर्स कम महसूस होगा। अभी देखेंगे, ठीक है, पहले कॉपी करो इसको यहाँ तक, ठीक है, फिर आगे बढ़ते। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय एनी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेटेड बाय क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लिख लेते सीधा, चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो यहां से ये जो पूरा लंबा चौड़ा लिख दिए हैं, अब यही बुक वगैरह में लिखा रहता है। अब ये चीजें क्या है इसको समझते हैं। अब हम लोग को पूरा समझ में आ चुका है, उसी को स्टडी करते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि एक चार्ज हम ले लेते हैं, एक कोई क्यू चार्ज ले लेते हैं। तो हम क्या बोले अभी, इससे किसी आर डिस्टेंस पर, इससे किसी, यहां पर क्या कितना रखे, प्लस चार्ज रखे, इससे किसी आर डिस्टेंस पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दें, तो पहला बात तो ये सीखे कि भाई ये तो क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इसने जनरेट किया है, तो उस जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको रखेंगे तो फोर्स लग जाएगा। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ही क्या होगा। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्यू नॉट तो ठीक ठाक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसने कितना जनरेट किया बताओ, इसे फोर्स कितना लगा, क्यू नॉट इंटू ही ना। तो E कितना इसने जनरेट किया, अभी ना सीखे के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो कितना सीखे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के की जगह पे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, अच्छे से लिख लेते हैं, और क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा फोर्स। तो यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन
देम के, तो यही है हमारा कूलम्ब लॉ, जो स्टेटमेंट पूरा बुक में लिखा रहता है। अच्छे से समझ में आ गया ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले एकदम पूरा अच्छे से लिख लो, फिर से ये देख लो क्या लिखा हुआ है। द फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय एनी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय क्यू, है ना, जनरेटेड बाय, यहां पर लिखना पॉइंट चार्ज क्यू, है ना, जनरेटेड बाय पॉइंट चार्ज क्यू। अभी पॉइंट चार्ज का क्या कचरा है, बार बार पॉइंट चार्ज क्यों आ रहा है ना, अच्छे से यहाँ पॉइंट चार्ज क्यों लिखे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन मतलब ए आर, है ना, समझ में आ गया पूरा अच्छा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी चीजें पीछे में लिखा हुआ ही था। हो गया मेरा कूलम्स लॉ तैयार, कोई दिक्कत, छापो पहले फिर बात करते हैं आगे। तो अब अगर हम देखें कि अभी तक हम लोग क्या सीखे, एक चार्ज है यहां पर, अगर हम मान लेते हैं इस चार्ज का नाम अब देते हैं हम सीधा सीधे इसको Q1 बोलते हैं, है ना, और एक और चार्ज हम यहां पर रख लेते हैं Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R है अभी, है ना, तो इन दोनों की जब फोर्स लगना स्टार्ट होगा, ये बोलेगा भाई हम तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलेगा भाई हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, एक्शन करोगे तो रिएक्शन तो करेंगे, है ना। तो हम यहां पर ये देखेंगे कि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगा देना है, और अगर हम मान लेते हैं इसका मास है m1, इसका मास है अगर m2, ठीक है, तो दोनों ही चार्ज के ऊपर एक्सेलरेशन भी दिखने लगेगा हमको। ठीक है यहां तक, तो अगर हम देखें कि इस वाले पर अगर मान ले दोनों प्लस चार्ज ही है तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगा देना है, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन वन लगा है टू के कारण, और ये दो वाले पर भी फोर्स लगेगा वन के कारण, तो हम जो सीरियसली अब यहां से लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन वन चार्ज सेकंड के कारण जो लगेगा उसका वैल्यू हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, हवा में ही अगर हम बात कर रहे हैं एयर में ही है तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू वन हम मान लेते हैं, तो चार्ज का सॉरी फोर्स का फॉर्मूला क्या जाएगा, क्यू वन पहला चार्ज, दूसरा चार्ज क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया दोनों के फोर्स जो कि एफ टू वन के भी बराबर दिख रहा है यहां पर। तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ वन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एफ वन टू बाय मास एम वन, है ना, सीरियसली बात है, इसको हमको मास से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू एम वन, और उसी तरह से ए टू का भी वैल्यू आ जाएगा एफ टू वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन एम टू। साफ दिख रहा है कि जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब यही है कि दोनों का दोनों अपने किसी एक म्यूचुअल सेंटर ऑफ मास जहां पर होगा उसके तरफ, वो सेंटर ऑफ मास मेरा वहां पर कांस्टेंट रहेगा, उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, उसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, इस कंडीशन के बारे में। तो पहला बात तो हम लोग पहले से भी जानते थे बी सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी जीरो हो जाएगा, ये सब हम लोग ग्रेविटेशन में भी सीख चुके हैं पूरे अच्छे से। ये हो गया यहां तक का बात, अब इसके आगे की जो कहानी है वो सीखना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं इसको आप बोलते हैं यहां से वेक्टर फॉर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या हो रहा है यहां पर ये देख लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक चार्ज कोई आर वन पोजिशन पर है और दूसरा चार्ज कोई R2 वेक्टर पर है, और यहां पर है चार्ज Q1, यहां पर चार्ज है Q2, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, है ना, तो इन दोनों के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं डेल्टा R का देते हैं, है ना, तो डेल्टा R वेक्टर हो गया ये, तो डेल्टा R वेक्टर हम ऐसे लिख लेते हैं, तो डेल्टा R वेक्टर क्या हो जाएगा यहां से अगर हम लिखना चाहते हैं, तो डेल्टा R वेक्टर क्या हो जाएगा आर टू वेक्टर माइनस में आर वन वेक्टर हो जाएगा ना, और जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। तो अगर हम यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा K, है ना, वही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, है ना। और अगर हम इसको वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हम फोर्स वेक्टर अगर लिखना चाहते हैं तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा
और उसका डायरेक्शन किधर की तरफ लगा दे, हम मानते हैं इस वाले चार्ज के ऊपर बात करते हैं, इधर की तरफ फोर्स हो जाएगा, इधर की तरफ ही हुआ ना, डेल्टा आर कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो डेल्टा आर कैप के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो फोर्स का तो मैग्नीट्यूड हमको पता है कितना हो जाएगा, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन डेल्टा आर का होल स्क्वायर इनटू डेल्टा आर कैप, ठीक है। और अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो हम इसको और बेटर तरीके से लिख सकते हैं कि 1/4 pi epsilon naught q1 q2 अपॉन डेल्टा आर के जगह आप लिख सकते हो भाई r2 माइनस में r1, है ना, r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू जो ये डेल्टा आर कैप। अच्छा, डेल्टा आर कैप को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर कैप अगर हमको लिखना है, एक यूनिट वेक्टर को लिखना है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर कैप क्या हो जाएगा, तो डेल्टा आर वेक्टर बाय उसका लेंथ, डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाता है, आर टू वेक्टर माइनस में आर वन वेक्टर अपॉन इसका लेंथ क्या हो जाएगा, आर टू वेक्टर माइनस में आर वन वेक्टर का लेंथ हो जाएगा। तो अगर हम यहां से इसके जगह पे लिख दें यहां पर आर टू वेक्टर माइनस में आर वन वेक्टर अपॉन इसका लेंथ यहां पर फिर से आ रहा है तो बाय 3 हो जाएगा पावर में, है ना, ये हो गया फोर्स वेक्टर, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में एकदम पूरा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना, अभी सवाल बनाएंगे तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो कूलम लॉ उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आ गया ना, या क्या कर रहे हैं उसी वेक्टर फॉर्म के ऊपर एक सवाल कर लेते हैं और उसको कहानी अभी के अभी खत्म कर देते हैं, कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, दो आइडेंटिकल चार्ज है, आइडेंटिकल मतलब एक ही जैसा चार्ज है, और एक को इस पोजीशन पर रखा गया, दूसरे को इस पोजीशन पर रखा गया है, तो हम यही समझ सकते हैं यहां से कि हम कुछ नहीं समझ सकते हैं, समझ सकते हैं ना, हाँ समझ सकते हैं। तो ये पहला हम कह सकते हैं 3 माइक्रोकूलम का यहां पर चार्ज रखा गया है, और दूसरा 3 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां पर रखा गया है दूसरे पोजीशन पर, और दोनों का वेक्टर पोजीशन हमको पता है, है ना, हम इसको कह देते हैं आर1 वेक्टर है ये हमको पता है, और इस वाले को हम कह देते हैं r2 वेक्टर पता है, तो ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर तो हम निकाल सकते हैं ना, तो डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, ये दोनों घटा देते हैं तो 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 3k कैप माइनस में i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप को घटा देंगे, तो 2 में से 1 चला गया तो i कैप हो गया, 3 में से 1 चला गया तो 2j कैप हो जाएगा प्लस में, और 2k कैप भी यहां पर आ जाएगा, डेल्टा r वेक्टर आ जाएगा। ये हमको वेक्टर से तो कोई लेना देना है नहीं, हमको फोर्स से लेना देना है, तो चलो मैग्नीट्यूड से लेना देना बेसिकली। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर का लेंथ कितना हो जाएगा, तो रूट ओवर पहले का है ना, एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और इसका भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 आई थिंक 3 हो गया है ना, 4/4 8 और 1/9 3 आ चुका है डेल्टा आर वेक्टर का लेंथ। तो अगर हमको फोर्स चाहिए तो फोर्स क्या होता है, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बाय आर का स्क्वायर, k का वैल्यू हम अभी तुरंत बताए थे 9 × 10^9 होता है, अब पहला चार्ज लिखा है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 माइक्रो मतलब 10^-6, फिर दूसरा भी 3 × 10^-6 अपॉन डिस्टेंस है दोनों के बीच का 3 का होल स्क्वायर यानी 3 × 3, 3 से 3 कट कट गया, तो यहां पर हो गया हमारे पास 9 × 10^6 = 12, है ना, तो 9 × 10^-3 न्यूटन, है ना, इतना आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल था, वेक्टर फॉर्म में डील करना एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, एक पहले का पोजीशन मेरे को पता है, दूसरे पोजीशन है, तो दोनों डिस्टेंस ही है ना, दोनों डिस्टेंस के लिए हमको बस डेल्टा आर निकालना है r2 - r1। अब जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बोले वो फॉर्मूला वो नहीं लगा, अरे लगा लिए, सब लग गया, देखो वही r2 - r1 हम किए, सब कुछ कर लिए, ठीक है, तो वो सब ऊपर में हो गया, हमको सिर्फ लेंथ से मतलब, हम लेंथ निकाल के सॉल्व कर लिए, मेरे पास आंसर आ चुका है ना, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एक चीज सीखा है कि एक फोर्स जो है उसका वैल्यू होता है 1/4 pi epsilon × q1 q2 / r2, और इसको बेहतर तरीके से लिख सकते थे 4 pi epsilon की जगह epsilon naught epsilon r × q1 q2 / r2। तो यहां से हम क्या सीखे कि epsilon जो है वो epsilon naught epsilon r के बराबर है,
ठीक है, एप्सिलॉन आर को ही के बोलते हैं, इसका नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे आगे जाकर के, अभी बस समझ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है, ठीक है, बोलते हैं इसको, एकदम पूरा डिटेल में समझेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है। तो अगर हम बोले कि फोर्स इन एनी मीडियम है ना, फोर्स इन मीडियम, किसी भी मीडियम में अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो देख लो क्या हो जाएगा, किसी मीडियम में फोर्स को अगर लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि जो भी आ रहा है ये तो यहां से आते देखो तो फोर्स इन एयर है क्या, ये तो फोर्स इन एयर है ना, अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 कर देते पूरा का पूरा एयर है, अब बाय एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर रहे थे, यानी फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर रहे हैं। और अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में बात कर रहे हैं है ना, फोर्स इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो फोर्स इन एयर अपॉन के हो जाएगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम ये कह दें अगर मेरे पास एक चार्ज है यहां पर और दूसरा चार्ज है क्यू है ना, अब इसको थोड़ा तीन यहां पर अब यही लिखना है, यहां पर पहला एक स्टेटमेंट लिख लो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक्स, केस नंबर 1 पे बात कर रहे हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कहता है कि अगर हम बोल दें कि यहां पर एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज हम यहां पर Q2 ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है हम इन सब को हमने फिल कर दिया हुआ एक ऐसे मीडियम से, एक ऐसा डायलेक्ट्रिक मीडियम से जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसका बीच का डिस्टेंस R है, तो बताओ इसे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर की जगह पर तो के लिख देंगे और लिखा है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है यहां तक, थोड़ा और इसको अच्छे से लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन, इसको जैसे रूट के का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, थोड़ा और बेटर तरीके से लिखेंगे इसको, रूट के इंटू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट के इंटू आर का होल स्क्वायर, यानी कि हम कह देंगे भाई फोर्स घट गया, फोर्स हमारा देखो के टाइम्स घटा है ना, फोर्स घटा, या फिर हम इसको ऐसे बोलें कि इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है ना, इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, हम उसको कहते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस है ना, यहां पर जो रूट के आर है हम इसको कहते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है, हम ऐसे भी सोच सकते हैं, बस सोचने का तरीका, बात तो रिजल्ट तो वही आएगा, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस वगैरह कम नहीं है, बस हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं फोर्स घट रहा है, फोर्स घटने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो इसके बीच का डिस्टेंस घट जाए, सॉरी डिस्टेंस बढ़ जाए, या तो चार्ज का वैल्यू कम हो जाए है ना यहाँ पर, और डायरेक्टिक मीडियम हम डाल दिए, तो डायरेक्टिक मीडियम डालने से क्या हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि भाई हवा वगैरह के मामले में क्या मामला फंसा, तो हम यही कह सकते हैं कि भाई इसका इफेक्टिव डिस्टेंस जो है जाकर के बढ़ गया, तो इफेक्टिव डिस्टेंस देखो आर टाइम्स ऑफ रूट के हो गया है ना, बस यही हम बताना चाह रहे थे यहाँ पर। हम अगर अब केस 2 के ऊपर बात करें, केस 2 में मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर है चार्ज Q2, और हम कुछ मान लेते हैं इतना सा डिस्टेंस में ही हम डायलेक्ट्रिक्स रखे हैं किसी टी थिकनेस तक जिसका कांस्टेंट के है, बाकी तो डिस्टेंस आर है ही। ठीक है, तो अब इसके बीच का फोर्स हमको निकालना है, तो फोर्स यहां पर क्या लिखाएगा वो देखना ध्यान से, तो पहला बात तो हो जाएगा फोर्स का जो 1/4πε0 तो होगा ही, बाकी Q1 Q2 तो होगा ही, बाय डिस्टेंस कितना होगा, तो भाई पहले हवा कहां से कहां तक है वो निकाल लें क्या, हवा कितना है आर में से टी डिस्टेंस कम तक तो हवा है ना, कम से कम है ना, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और इतना, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर में माइनस में टी डिस्टेंस हो जाएगा, पहले तो आर माइनस में टी डिस्टेंस तक तो हवा है, और ये डायरेक्ट्रिक मीडियम का डिस्टेंस कितना हो जाता है, के इंटू इसका डिस्टेंस का मतलब रूट के इंटू इसका डिस्टेंस, वो भी जोड़ देते हैं, इसका डिस्टेंस कितना लिखेंगे, तो टी तो नहीं लिखेंगे ना, इसका डिस्टेंस क्या कितना लिखेगा टी रूट के है ना, कितना लिखेगा इसका प्लस में टी रूट के है ना, इस डिस्टेंस को जोड़ लेते हैं, फिर समझना मेरा होती है क्या लिखे हम, तो पहला बात तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का और ये डिस्टेंस हवा का, क्योंकि हमको चाहिए यहां से तक का पूरा डिस्टेंस, तो पूरा डिस्टेंस लिखने के लिए बैठे, तो यहां से तक का डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस क्या हो गया, हम बोले इसका इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ चुका है, कितना बड़ा रूट के इंटू टी और बाकी है। ठीक है, नहीं तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा अलग कर लो, हम बोलते यहां से ज्यादा की मटेरियल है ना टी,
के, तो ये कह सकते हैं भाई r माइनस में t डिस्टेंस है। अब ठीक है ना, r माइनस t डिस्टेंस ये हो गया, ये हो गया रूट के इंटू टी डिस्टेंस है ना, तो टोटल डिस्टेंस हो गया इतना के स्क्वायर, कोई दिक्कत है? अगर हम इसी में केस थ्री एज्यूम करें अब कि ये चार्ज है, ये चार्ज है क्यू वन है और ये क्यू टू है, हम बोलते हैं भाई यहां से यहां तक टी वन थिकनेस तक के वन है, फिर के टू है टी टू थिकनेस तक, अब बाकी डिस्टेंस आर है, तो आप यहां पर बताओ फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वही कह देंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन भाई कहां से कहां तक डिस्टेंस है हमारे पास, आर माइनस में टी वन माइनस में टी टू हो जाएगा है ना, तो आर माइनस में टी वन माइनस में टी टू डिस्टेंस तो हवा है, फिर इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा जोड़ना पड़ेगा ना, तो रूट के वन इंटू टी वन अब प्लस में इसका डिस्टेंस क्या बनेगा रूट के टू इंटू टी टू का होल स्क्वायर। समझ में आ गया पूरा अच्छा से बात, छाप लो इसको, अभी तो और भी बहुत सारा बात करेंगे इस पर। तो अगला है इसी में इंड्यूस्ड फोर्स बाय डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है इसको समझते हैं ये क्या है, इंड्यूस्ड फोर्स बाय डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर एक कोई प्लस क्यू वन चार्ज है और यहां पर कोई प्लस क्यू टू चार्ज है, और हमने क्या किया इन दोनों के बीच में एक मीडियम को इंसर्ट कर दिया है आर डिस्टेंस तक पूरा का पूरा, और इसका स्टिफनेस या सॉरी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब इसका फीचर समझो हो क्या रहा है, पहला बात तो ये है कि जो अगर इन दोनों के बीच में तो भाई एक फोर्स लग रहा है ना, जो लगना चाहिए इन दोनों के बीच में वो एक फोर्स तो लग रहा है इधर की तरफ, क्योंकि दोनों अगर प्लस चार्ज है, दोनों अगर प्लस चार्ज ही है तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है इधर की तरफ, तो फोर्स एक सेकेंड सॉरी हम गड़बड़ा दिए हैं, नीचे बना लेते हैं क्योंकि लाइट आ रहा होगा, ठीक है यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि प्लस में Q1 है और यहां पर प्लस में Q2 है, ठीक है तो इस वाले ने इसको भाई इधर की तरफ तो पुश करना ही है, तो ये हो गया हमारा जो फोर्स लग रहा है, हम इसको कह देते हैं F रिजल्टेंट कर सकते हैं इसको है ना, रिजल्टेंट जो है यहां पर लग रहा है ना, रिजल्टेंट फोर्स। अब देखो ये प्लस वाला क्या करेगा, इस पूरे मेटेरियल का, इस पूरे मटेरियल को के जो भी मटेरियल है इसके सामने, यहां पर जो भी मटेरियल रखा हुआ है, इस प्लस वाला इस ये समझ लो ये कोई भी मटेरियल है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाकर, लेकिन अभी जो अज्यूम करो ये मटेरियल है लकड़ी है ऐसा कुछ है ना, है डायलेक्ट्रिक बोलते हैं डायलेक्ट्रिक, तो ये मटेरियल इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन है, तो ये क्या करेगा इसके प्लस क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये प्लस इसके इधर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है तो खींचेगा जब तो ये माइनस इस प्लस के ऊपर एक इंड्यूस्ड फोर्स लगा देगा, एक इंड्यूस्ड फोर्स इधर की तरफ लगा देगा, तो इस वाले पर जो नेट फोर्स आया है वो कुछ कम हो जाएगा जो रिजल्टेंट के कारण आ जाएगा, नहीं आ जाएगा देखो तो एफ नेट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एफ जो रिजल्टेंट आना था माइनस में एफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत है? तो एफ अगर हम नेट के बारे में बात करते हैं इस वाले में नेट फोर्स कितना, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई घट गया फोर्स, तो घट गया तो फोर्स कितना घटा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स एयर में आ रहा था, फोर्स किसी जो एयर में आ रहा था अपॉन के टाइम्स घट गया होगा, रिजल्टेंट तो भाई हवा के कारण ही बनने वाला है, ये तो एयर के कारण ही बनने वाला था रिजल्टेंट वाला, और ये हो गया हमारा एफ इंड्यूस्ड, ठीक है तो अगर हम एफ इंड्यूस्ड निकालना चाहते हैं यहां पर तो क्या हो जाएगा, एफ इन एयर ये वाला भी इधर घट जाएगा एफ इन एयर अपॉन के, तो अगर हम इसको निकाल दें एफ इंड्यूस्ड इक्वल टू एफ इन एयर वन माइनस वन अपॉन के, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि इन
इंडक्शन के कारण, यहाँ पर इंडक्शन हो ना कि प्लस वाला इसके माइनस को, इंडक्शन के बारे में बात किए थे ना, तो इंडक्शन के कारण जो फोर्स लगा इस पर वो कितना आया, एफ इन एयर इंटू वन माइनस वन अपॉन के, कोई दिक्कत है? तो यहां पर से हम लिख सकते हैं कि एफ जो इंड्यूस्ड आ रहा है वो हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू इंटू, इसको अच्छे से करते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन के, ये इतना आ जाएगा इंड्यूस्ड फोर्स जो इस पे लगा इंडक्शन के कारण, है ना, जितना वैल्यू घटा। समझ में आ गया, डायरेक्ट्रिक्स के मामले में एक छोटा सा ये भी चीज था, ठीक है? अभी तक देखो आगे आगे तो भी बहुत कुछ है, तो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि जो कौन सा लॉ पढ़े रहे, कूलम्स लॉ, क्या बात है, ठीक है, कूलम्स लॉ जो अभी हम लोग सीखे हैं, उस कूलम्स लॉ में हम लोगों ने यही सीखा कि एक पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू होता है के क्यू वन के टू बाय आर स्क्वायर। सवाल उठ रहा है कि भाई हर समय पॉइंट चार्ज का ही बात क्यों हो रहा है, एक कोई बड़े चार्ज के ऊपर क्यों नहीं बात हो रही है? तो ठीक है, बड़े चार्ज को ही देख लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक बड़ा चार्ज है ना, ऐसे ही कोई बड़ा चार्ज है ना, और ये एक मेटल है, मेटालिक स्फीयर है, ठीक है? तो अगर हम इस पे बोलें कि अगर कोई चार्ज उस बगल उगल में नहीं है तो क्या होगा, इसके सरफेस पर बहुत सारे चार्ज आएंगे, क्योंकि मेटल सरफेस अगर है, मेटल है तो मेटल के सरफेस पर ही चार्ज होगा, अंदर में चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेटल में चार्ज मूव कर सकता है, और चार्ज के बीच में म्यूचुअली एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिस फोर्स के वजह से ये चाहेगा कि भाई तुम मेरे से जितना दूर रह सकते हो रहो, लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, इसलिए ये इससे दूर रहना चाहेगा, ये बोलेगा तुम मेरे से दूर रहो, ये बोलेगा तुम मेरे से दूर रहो, ये बोलेगा तुम मेरे से दूर रहो, अंदर वाला भी चार्ज बोलेगा तुम मेरे से दूर रहो, तुम मेरे से दूर रहो, हर कोई दूर दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग है, पुलिस डंडा बजाएगा, घर में भी दूर दूर रहो, ठीक है? तो ये दूर दूर रहने के लिए ये सरफेस पर आ जाएगा सारा। अब सरफेस से कहां उड़ करके नहीं है ना, बाहर हो जाएगा, इतना भी दूर नहीं हो जाएगा ये, ठीक है? वो भी हो जाएगा, पिछले क्लास में सीखे थे ना, वो डिस्चार्ज हो जाता है, टूट जाएगा, वो भी बनेगा, पढ़ेंगे आगे जाकर, ये इस तरह से बन जाएगा। लेकिन तभी हमने क्या किया कि अगर हम ऐसा कहें कि एक नजदीक में एक कोई दूसरा चार्ज को उठा के लेके चले आया, ठीक है, ऐसे एक चार्ज्ड बॉडी को लेके चले आया, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई मान लेते एक प्लस ही चार्ज है, ये भी, ये प्लस वाला इसके प्लस वाले को रिपेल करेगा, और ऐसा रिपेल करेगा सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा ना, चार को चार्ज था ही तो सारा इधर आ जाएगा, और ये भी बोलेगा भाई तुम्हारा भी सारा पॉजिटिव चार्ज जितना दूर रह सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग है, दो मीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पर छींक देंगे बस मर ही जाओगे, कोरोना हो जाएगा, क्या बात। तो देखो कहानी क्या होगी कि चार्ज का एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है ना, अगर हम रिज्यूम करते, हमारे दिमाग में यही आ रहा था कि भाई हमने एक ऐसा स्फीयर रखा था कि प्लस प्लस रखे थे, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते, सेंटर से ही सेंटर का डिस्टेंस लेते, पहला तो यहीं पर एक कंट्राडिक्शन होता कि फोर्स हम किसी किसी बीच का लें, इसके इसके बीच का लें, किसके इसके बीच का लें, इसके इसके बीच का लें, इसके इसके बीच का लें, हम मान लेते हैं सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेते, क्या अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेने से काम चलेगा, क्योंकि सारा चार्ज उधर शिफ्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस बढ़ चुका है, तो फोर्स जो एक्चुअली आएगा वो कैलकुलेटेड से अलग आएगा, इसीलिए हम लोग बड़े चार्ज के ऊपर बात नहीं करते हैं कूलम लॉ के हिसाब से, ठीक है, लेकिन करेंगे जरूर, छोड़ेंगे थोड़े ना। तो पहला बात तो समझ में आया कि बड़े चार्ज के साथ में दिक्कत यहां पर क्या आ रहा है, कोई तकलीफ, ठीक है? तो ये था, अभी इसके आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, रुको चेक कर लें कैमरा चल रहा है, कैमरे जो है ना भाग,
आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है। आप देखो ध्यान से कुछ चीजों के ऊपर बात करते हैं। पहले तो फोर्स ही निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोल दें कि एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, क्यू है और ये भी क्यू है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस आर है, तो ये पहला सवाल है हमारा, फोर्स बता दो यहां पर क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई के पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये फोर्स समझ में आ गया, दूसरा नंबर पर बढ़ जाते हैं। इसको समझाना है, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक चार्ज हमारा यहां पर, ये कोई ए डिस्टेंस पर है q चार्ज, और एक चार्ज यहां पर भी है q चार्ज, और एक चार्ज यहां पर भी है q चार्ज। कह रहा है भाई इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ, इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ। तो देखो इस वाले पर कौन कौन फोर्स लगा सकता है, तो बोलेंगे भाई ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा देगा, जिसको हम कह देंगे एफ वन वेक्टर, और ये वाला भी इसके ऊपर इधर ही फोर्स लगा देगा, हम इसको कह देंगे एफ टू वेक्टर। और अगर हम एज्यूम कर लें कि इसके बीच का डिस्टेंस भी ए ही है, तो दोनों फोर्स का लेंथ तो सेम ही, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो यहां पर क्या आ जाएगा के क्यू क्यू, और इन दोनों डिस्टेंस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये भी सेम ही आएगा। तो नेट जो फोर्स बनेगा वो इधर ही बनना चाहिए, इसका वैल्यू हो जाएगा एफ रूट टू, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर है ये। तो एफ नेट क्या आ जाएगा यहां पर, एफ नेट क्या आ जाएगा यहां पर, अगर हम एफ नेट लिख देंगे तो एफ रूट टू यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट टू, है ना, दिस इज योर आंसर इन दिस कंडीशन। ओके, अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, तीन नंबर। एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, क्यू है, ये भी क्यू है, और यहां पर हमारे पास भी क्यू ही है, प्लस में ही है तीनों, मान लेते हैं। अब कह रहे हैं ये डिस्टेंस हमारा ए है, सारा डिस्टेंस ए है, और ये भी डिस्टेंस ए है, तो कह रहा है भाई यहां पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ। सबसे पहला बात तो ये प्लस वाला बोलेगा तुम इधर की तरफ चलो, ये प्लस बोलेगा भाई तुम हिन्ने खिसको, इसका वैल्यू भी एफ होगा, इसका वैल्यू भी एफ होगा, नेट रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर ही बनना चाहिए दोनों फोर्स के बीच में, और एंगल भी इन तीनों के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री, और अगर दो फोर्स 60 डिग्री पर होता है तो रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, गॉड क्या क्या हम बोल रहे हैं, 60 डिग्री। तो अगर दो फोर्स बराबर होता है तो एफ नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2f cos 60 by 2, है ना, 2f cos थीटा बाय टू, अगर दो फोर्स अगर बराबर होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, 2f cos थीटा बाय टू, टट्टा मार लो रे, आरो कुंची नहीं है इसमें, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2f, f के बराबर क्या हो जाएगा, ये फोर्स देखो ये f लिखे हैं, ये f का वैल्यू क्या हो जाएगा, k पहला चार्ज दूसरा चार्ज q का स्क्वायर अपॉन इस दोनों डिस्टेंस का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2f का जगह क्या लिखें, k q का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और cos 60 का आधा यानी cos 60 डिग्री का आधा, तो क्या हो जाएगा 2k के जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाय टू, ये खत्म हो गया क्या, तो रूट थ्री q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ये हो गया यहां से फोर्स हमारा तैयार, ठीक है। चलो कॉपी करो, बहुत सारा क्वेश्चन है, कॉपी करते जाओ। अगला है हमारे पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं एक स्क्वायर है, और यहां पर अगर हम प्लस क्यू चार्ज रख दिए, यहां भी प्लस क्यू चार्ज रख दिए, यहां भी प्लस क्यू चार्ज रख दिए, यहां भी प्लस क्यू चार्ज रख दिए, सेंटर पर याद रखना सेंटर पर जीरो आ रहा है यहां पर हर किस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में भी जीरो आ जाएगा। क्यों आएगा जीरो, क्योंकि भाई ये प्लस वाला बोलेगा कि हम तुम्हारे ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ये प्लस वाला भी इधर फोर्स लगा देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, कैंसिल खत्म हो गया, ये प्लस वाला बोलेगा तुम इधर चलो तुम इधर चलो, तो एफ सेंटर तो जीरो ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं इस पोजीशन पे, तो ये वाला प्लस वाला बोलेगा भाई तुम इधर चलो, इसका नाम हो जाएगा एफ डैश, ये कह देगा इधर चलो जिसका नाम हो जाएगा एफ, ये बोलेगा तुम इधर चलो इसका नाम हो जाएगा अगेन एफ। एफ का वैल्यू क्या होगा, पहले हम बात करते हैं एफ का वैल्यू क्या होगा। तो अगर इसका लेंथ हम मान लेते हैं एल है, एफ का वैल्यू क्या होगा, ये एफ देखो ये एफ क्या था, इस दोनों चार्ज के बीच के लगने वाला फोर्स, यानी कि क्या हो जाएगा के
क्यू क्यू बाय एल का स्क्वायर एफ हो जाएगा, और एफ डैश क्या हो जाएगा यहां से, एफ डैश यानी कि इन दोनों के बीच का फोर्स है ना, इन दोनों कारण, तो एफ डैश क्या हो जाएगा के इसका चार्ज उसका चार्ज अपॉन इस दोनों डिस्टेंस एल रूट टू हो जाएगा, एल रूट टू का होल स्क्वायर। तो और बेटर तरीके से सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। अच्छा दोनों फोर्स है अभी ये दोनों एफ के कारण, तो एफ रूट टू ही इधर आना चाहिए, इस दोनों फोर्स के कारण जो एफ रूट टू इधर हो जाएगा, तो एफ नेट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा एफ डैश इधर की तरफ और प्लस में एफ रूट टू यानी इस दोनों कारण जो एफ रूट टू बनेगा वो भी इधर की तरफ, तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा यही के क्यू का स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर प्लस में एफ रूट टू यानी के क्यू का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू रूट टू। यहां से आ गया के क्यू का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर वन बाय टू प्लस में रूट टू, दैट्स योर आंसर, ठीक है इन दिस कंडीशन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एज्यूम कर लेते हैं पेंटागोन है और हम चीजों को थोड़ा समेट रहे हैं, ज्यादा इस पर नहीं स्टडी करेंगे। मान लेते हैं यहाँ क्यू क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस में क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस में क्यू है, यहाँ पर माइनस में क्यू है और यहाँ पर प्लस में क्यू है, बोल रहा है यहाँ सेंटर पर बताओ कितना फोर्स लगेगा, जो कि सेंटर से हर किस कंडीशन में फोर्स है एल। तो पहला बात तो यही है कि कुछ नहीं है, सॉरी गड़बड़ करती हूँ, हेक्सागोन बनाते हैं ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जल्दी नहीं निपटेगा इसलिए हम हेक्सागोन ही बना लेते हैं, ठीक है हेक्सागोन है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर भी माइनस क्यू है, पूछ रहा है सेंटर पर बताओ कितना फोर्स लगेगा एल है। पहला बात तो देख लेते हैं, ये प्लस वाला इधर की तरफ बनाएगा और ये प्लस वाला इधर बनाएगा, ये दोनों तो खत्म हो गया यानी कि इस दोनों का मामला खत्म, ठीक है फिर से देख लो, फिर से बता दें ये प्लस वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये प्लस वाला अगर मान लेते यहाँ पर एक चार्ज रखे बाबा क्यू है, तब पूछ रहे हैं ये प्लस वाला इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये प्लस वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा क्यू है ना, जो भी एफ लगाए दोनों तो कैंसिल आउट कर देगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में अलग अलग है इसलिए खत्म हो गया, ठीक है यानी ये दोनों का ही सिर्फ खत्म होगा, इस दोनों का तो रह ही जाएगा जी है ना, तो माइनस वाला तो भाई यहाँ पर अगर कोई प्लस चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर तो ऐसे फोर्स लगा देगा एफ, और ये प्लस वाला भी बोलेगा रिपेल कर देगा है ना, यहाँ पर अगर प्लस क्यू है अगर यहाँ रखा हुआ ये तो रिपेल करेगा तो वो भी इधर ही जाएगा एफ, ये प्लस वाला इसको रिपेल इधर करेगा एफ, माइनस वाला भी इधर ही खींचेगा एफ, यानी सिर्फ टू एफ हो गया है ना। तो अगर हम इस कंडीशन पे पिक्चर बना दें अच्छे से, तो यहाँ पर दिख रहा है हमको माइनस क्यू, यहाँ पर दिख रहा है हमको माइनस क्यू, यहाँ पर दिख रहा है हमको प्लस क्यू, और इस डायरेक्शन में हमको दिख रहा है टू एफ, और इस डायरेक्शन में दिख रहा है हमको टू एफ, एंगल हो गया 60 डिग्री, रिजल्टेंट अभी सीखे हैं दोनों के बीच में आ जाएगा है ना, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा टू एफ कॉस थीटा बाई टू, कितना आएगा रिजल्टेंट यहाँ पर टू एफ कॉस 30 डिग्री, तो टू एफ एफ कितना है यहाँ पर टू एफ है, cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री रूट थ्री बाय टू होता है यानी कि 4, और f के जगह क्या लिखेंगे f क्या था इन दोनों बीच का फोर्स यानी k q का स्क्वायर बाय l का स्क्वायर है ना इनटू रूट थ्री बाय टू, टू से टू कैंसिल हो गया तो टू रूट थ्री k q का स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, दिस इज योर आंसर इन दिस कंडीशन, ठीक है। आज हम लोग सीखे कूलम्स लॉ और उसके ऊपर बहुत सारा डिटेल्ड डिस्कशन किए हैं और कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, अगले टॉपिक में इसी का एक्सटेंशन होगा अगला लेक्चर में है ना, लेक्चर नंबर 4 पे, तो बने रहना है, शेयर करो सब्सक्राइब करो और जो भी सवाल आता है टेलीग्राम पे पूछो, ठीक है जो डाउट आ रहा है समझने में नहीं आ रहा है तो बताओ कि क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत मिलते हैं, बाय बाय।